गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी फॉल आए हैं, जो भी इंक्रीजेस हुए हैं, उन चीजों को एडजस्ट किया जा सके एक रिजर्व के थ्रू. दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फर्म्स, जो भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं वो आउटसाइड द फर्म. तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं जिसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. मींस मार्केट वैल्यू में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों को बियर करने के लिए जो भी रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं वो कौन से रिजर्व कहलाते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. तो उन एडजस्टमेंट्स रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज क्रिएट की जाती हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन कौन सी जनरल एंट्रीज अलग अलग कंडीशंस में आपको अप्लाई करनी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं आपको वो न्यूमेरिकल या वो जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो फर्स्ट है आपकी, कई बार क्या होता है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम. जो भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो सेम होती है किसके? इन्वेस्टमेंट के. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने आउटसाइड इन्वेस्टमेंट की हुई है और कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी हुई है? 2 लाख. और फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू भी जो हुई है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू एज इट इज है 2 लाख ही है. तो उस कंडीशन में आपको एक जनरल एंट्री पास करनी होती है, डेट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट केस ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और मार्केट वैल्यू दोनों ही अगर वो सेम होगी तो उस कंडीशन में आपका जितना भी पैसा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में या रिजर्व के बैलेंस में, उस बैलेंस को आपको जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट. बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इस वजह से हम पूरा का पूरा पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? उसके पुराने, उस फर्म के ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच बिफोर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब सेकंड केस क्या है, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू. सेकंड केस क्या है कि जो भी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से क्या है, लेस देन. फॉर एग्जांपल फर्म ने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है आउटसाइड ऑफ द फर्म, दैट इज 2 लाख, और मार्केट वैल्यू जो हुई है, मार्केट वैल्यू 1,90,000 की चेंज हुई है. फर्म ने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तो उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 2 लाख और फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो 1,90,000 हो गई है. तो अब यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है. यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की. फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है कुछ उतार और चढ़ाव. तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बियर करने के लिए एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहलाता है. तो अगर मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से थोड़ी सी कम हो गई है तो एक तरीके का लॉस होता है फर्म को. तो उस कंडीशन में जो भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिक्रीज हुई है उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो भी चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ करना है और रिमेनिंग बैलेंस को पुराने पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना. तो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में 18,000 बैलेंस है, ठीक है, 18,000 बैलेंस है. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने 2 लाख रखी थी और 10,000 की अमाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख, ठीक है. जैसे ये मैं बताती हूँ आपको, मान के चलिए इन्वेस्टमेंट जो फर्म ने किया है वो कितना किया है, 2 लाख का, दैट इज बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू जो चेंज हुआ है ये मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 1,80,000.
या 90,000। फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया था बुक वैल्यू पे जो कि 2 लाख थी और मार्केट वैल्यू फ्यूचर में हो गई है 1 लाख। फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी थी 2 लाख की, फ्यूचर में वो अमाउंट 1,90,000 की रह गई थी। तो ये तो थी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 18,000। ठीक है, अब कमी कितनी आई है 10,000 की, हमने रिजर्व में ऑलरेडी मेंटेन किए हुए कितने 18,000। तो इस 18,000 में से 10,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर कर दिए, बाकी जो 88,000 है वो बैलेंस अभी बच गया। इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराने ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है तो उनमें जो भी डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस कितना आया है 10,000 का, इस 10,000 को हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से। तो उस कंडीशन में जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को करना है डेबिट विद 18,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो भी अमाउंट आई है, जैसे यहां पे 10,000 बैलेंस आया था बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, 10,000 को रिमेनिंग बैलेंस इज 8,000। इस 8,000 को आपको किसको बांट देना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब भी आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डिक्रीज होगी या कम होगी तो यहां पे तीन केसेस आपके अराइज होती है, थ्री कंडीशंस अराइज होंगी। तो पहली कंडीशन में तो जितना भी फॉल हुआ है वो फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जितना भी फॉल हुआ है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में वो रिजर्व की अमाउंट से कम है। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2 लाख की अमाउंट थी, हमने रिजर्व में अगर 18,000 पैसा रखा हुआ है और यहां पे जो ड्रॉप आउट हुआ है वो कितना हुआ है 18,000 का, या फिर हम मान के चलेंगे यहां पे अमाउंट हो गई है 1,82,000। अगर 2 लाख कितनी हो गई है 82,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है हमारी 18,000, रिजर्व में भी 18,000 है। तो उस कंडीशन में कुछ पैसा बचा ही नहीं है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज हमारे रिजर्व में भी 18,000 पैसा है और हमारी जो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो भी 18,000 है। तो रिमेनिंग बैलेंस कुछ बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर, अब थर्ड केस क्या होता है, When fall in the value is more than the investment fluctuation reserve. Third case क्या है, जितना भी market value में change हुआ है is more than the investment fluctuation reserve. Reserve में हमने 18,000, for example 18,000 अगर पैसा रखा हुआ है, उस 18,000 से more than fall in the value of आया है, investment की value में कितना fall आया है, उस investment reserve की amount से भी ज्यादा। तो उस condition में हमारी जो ट्रांजेक्शन होगी या जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट रिवेल्युएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो ज्यादा है मोर देन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट से मोर देन, तो उस कंडीशन में जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको रिवेल्युएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर, तो ये थी आपकी एंट्री रिलेटेड टू फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर, क्योंकि अब रिवैल्यूएशन, यहां पे एक और एंट्री आपको करनी है, क्या रिवैल्यूएशन में पैसा हमने राइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन इस पैसे को कहां से राइट ऑफ किया जाएगा, तो आपको एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस है। और इस लॉस को कहां से राइट ऑफ किया जाएगा, लॉस कहां ट्रांसफर हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसको बियर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, तो आपकी इस कंडीशन में दो एंट्रीज होंगी, जब भी आप रिवैल्यूएशन को डेबिट या क्रेडिट करोगे तो आप एक और एंट्री साथ में करोगे, बिकॉज ये एक तरीके का लॉस था जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके निकालेंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं थर्ड केस पर. थर्ड केस इज दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. थर्ड केस क्या है कि जो भी मार्केट वैल्यू है, देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखी है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, हमें एक तरीके का प्रॉफिट हो रहा है ना. जैसे हम मान के चल रहे इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख की, और या बोल सकते इसको बुक वैल्यू है एक तरीके. मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करी, फ्यूचर में वो कितनी इंक्रीज होगी, 2,20,000. अब हमने तो सिर्फ 2 लाख पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 2,20,000. तो इस 20,000 से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. रिजर्व की रिक्वायरमेंट तो हुई नहीं ना इस कंडीशन में, रिजर्व से तो कुछ राइट ऑफ किया ही नहीं गया, क्योंकि 20,000 हमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो रहा है पैसा. तो पहली चीज तो ये है, तो जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का पैसा है, उसे पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है. पहली एंट्री ये हो जाएगी. अब जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमें रिजर्व से, या फिर ये 20,000 को भी, तो अब हमें तो सिर्फ अभी हमने 18,000 की ही एंट्री करी है, जो हम मान के चल रहे हैं कि रिजर्व में 18,000 है. लेकिन ये जो 20,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्रीज हुई है, इस प्रॉफिट को कहां डाला जाएगा, इसे कहां ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब रीजन क्या है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को हम एक एसेट मान के चलते हैं, तो जितनी भी एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, उनके प्रॉफिट्स को कहां ट्रांसफर किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो इस वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ है, हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इंक्रीज ब्रॉट अप टू जितनी भी मार्केट वैल्यू में जितना भी इंक्रीज हुआ, उस अमाउंट से आप इसको यहां पे डेबिट करोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट. अब रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, उससे किसको प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स को. कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आगे कहां ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स को. क्लियर. तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे आपको एंट्री करनी है, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है ना, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स को ऑलरेडी कर दिया. दूसरी कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो में इसे क्या कर देना है, हमें पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना है, इसे ट्रांसफर. यहां पे एक ये चीज थोड़ी सी वो हो गई है, तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री बाय मिस्टेक मैंने डेबिट कर दी है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारे लिए एक प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है. किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो तीन एंट्रियां हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. आफ्टर दैट जो भी इन्वेस्टमेंट की एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहां ट्रांसफर होगा, ये वाली एंट्री नहीं करनी है आपको. डेबिट किसको करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर एवरीवन, इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ये एंट्रीज थी आपकी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड. आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गई होंगी जनरल. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. थैंक यू.